सब्सक्राइब कीजिए टेकवर्ड गाइड चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के अंदर एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी एक अपनी इमेज को चूज कर लीजिए। तो मैं पिक्चर्स में से एक जो इमेज है मेरी डाउनलोड की हुई क्रैब जो पहली पिक्चर है उसको सिलेक्ट कर लेता हूं और राइट क्लिक कीजिए इस पर और ओपन विद पर क्लिक करें और पेंट प्रोग्राम में ओपन कर लें। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो पेंट प्रोग्राम के अंदर ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों ये इमेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करने के लिए मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ एक बार। ओके, पूरी आपको दिखाई दे रही है। तो दूसरी इमेज ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको एक क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट। तो पेस्ट के नीचे आप देखेंगे एक छोटी सी एरो है, उस पर क्लिक कीजिए और पेस्ट फ्रॉम का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि पेस्ट फ्रॉम की एक विंडो ओपन हो चुकी है, उसके अंदर आपको एक इमेज सेलेक्ट करनी है जो आप अपनी इमेज पर ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो है, मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले वाली पिक्चर थी वो वही है, जबकि हमारी जो लोगो वाली इमेज थी वो इसके ऊपर इंसर्ट हो चुकी है। इसको मैं अपने कोने पर सेट कर देता हूँ। और अब आप कोई दूसरी इमेज भी ऐड कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर, पेस्ट के नीचे जो एरो का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक कीजिए और पेस्ट फ्रॉम पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं डाउनलोडेड इमेज में से एक जो कीबोर्ड का माइक्रोसॉफ्ट जो मैंने अपनी फोटो क्लिक करी थी उसको ओपन कर लेता हूँ और इसको इसके ऊपर सेट करना है। तो दोस्तों इसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो इसको आप साइज को छोटा कर लीजिए और कहीं पर भी जहाँ पर आपको ठीक लगे इसको सेट कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से आप अपने जो फोटो है उस पर दूसरी फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं और इसको सेट कर सकते हैं। तो फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए और इमेज को कर दीजिए सेव। अब आप एमएस पेंट प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगा और आप अपनी इमेज पर दूसरी इमेज को ऐड कर पाएंगे।